Without wasting time, let's get started. Today I'm going to teach you class 12 English Vistas, chapter number 1, the third level. At the end of the chapter, we will discuss about some important question and answer which is important for your board exam. This chapter is written by Jack Finney. इस चैप्टर में राइटर तीन कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जिसका नाम होता है चार्ली और दूसरा कैरेक्टर उसका नाम होता है लूसिया। लूसिया जो है वो चार्ली की वाइफ होती है और तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम होता है सैम। सैम जो है वो चार्ली का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और सैम एज अ प्रोफेशनल एक साइकेट्रिस्ट होता है। यह जो चैप्टर है यह 1958 टाइम पीरियड की कहानी है। यह चैप्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हो जाता है जस्ट उसके बाद की यह कहानी है। यह चैप्टर जो है यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है चार्ली नामा एक आदमी से जिसका उम्र होता है 31 साल। चार्ली एक ऑफिस में काम करता है। चार्ली सुबह में अपने काम पे जाता है और वो शाम में अपने काम से वो वापस चला आता है। एक दिन चार्ली चाहता है कि वो अपने ऑफिस से जल्दी घर चला आए और वो अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर वो घूमने के लिए जाए, जिसके लिए चार्ली सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है। वहां पर दो लेवल होता है, लेवल 1 और लेवल 2। जैसे हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 होता है, सेम एज इट इज लेवल 1 और लेवल 2 को हम लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ली लेवल 1 पे जाता है गाड़ी पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर गाड़ी वो पकड़ नहीं पाता, वह गाड़ी छूट जाती है। फिर चार्ली क्या करता है, वो लेवल 2 पे जाता है। लेवल 2 पर भी उसकी गाड़ी छूट जाती है, जिस कारण से चार्ली बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो उदास होते हुए वो वापस लौटने लगता है। जैसे वो वापस लौटता है तो वहां पर उसको एक रास्ता दिखता है नया सा। जैसे वो उस रास्ते के करीब जाता है तो वो देखता है कि अरे यहाँ तो एक और लेवल है। जैसे वो उस लेवल के करीब जाता है वो मनी मन सोचता है कि डेवलपमेंट वो मनी मन सोचता है कि यह जो डेवलपमेंट है यह बिल्कुल एक पेड़ के तरह है। जिस तरीके से एक पेड़ कंटिन्यूअस ग्रो करता है, सेम एज इट इज जो डेवलपमेंट होता है यह भी डे बाय डे ग्रो करता है। जैसे चार्ली उस थर्ड लेवल के अंदर जाता है तो वो देखता है अरे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यह 1890 टाइम पीरियड की है। यहाँ के जो रूम्स वगैरह यह बहुत ही छोटे छोटे हैं और टिकट काउंटर वगैरह भी जो होते हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे हैं। वहां पर चार्ली एक पेपर बॉय से मिलता है, एक छोटा सा बच्चा वहां पर पेपर बेचता रहता है। उस समय का बहुत ही फेमस पेपर होता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड। यह पेपर को चार्ली बाय करता है उस पेपर बॉय से। जैसे चार्ली उस पेपर को ओपन करता है पढ़ने के लिए, उसके ऊपर में डेट लिखा होता है 11 जून 1891, जिसको पढ़कर वो समझ जाता है कि मैं जो हूँ वो पास्ट में चला आया। अब चार्ली क्या करता है, वो टिकट काउंटर जाता है। जैसे वो टिकट काउंटर जाता है वहां पर वो बोलता है कि मुझे गेल्स वर्क जाने के लिए एक मुझे टिकट दीजिए, और चार्ली अपने पैसे उसको देता है। वह जो टिकट काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं वो चार्ली को बोलते हैं कि तुम मुझे नकली नोट दे रहे हो। अब आप देखिए कि यह नकली नोट कैसे, चार्ली जो है वो मॉडर्न समय में रह रहा था, वो टाइम ट्रेवल करके बैक में चला गया, तो बैक के समय में जो करेंसी होता है वो कुछ और था और अभी मॉडर्न समय में जो करेंसी है वो कुछ और है। लेकिन पास्ट वाले को यह बात नहीं पता था कि यह आगे वाले का नया नोट है, जिस कारण से वो समझता है कि यह नकली नोट हमें दे रहा। और वो जो टिकट काउंटर पे जो बैठा होता है वो चार्ली को धमकाता है कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम मुझे नकली नोट दे रहे हो, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। जिस कारण से चार्ली वहां पर डर जाता है और वो वहां से अपनी जान बचाकर वो भागता है। वह भागते भागते अपने दोस्त सैम के पास आता है और सैम को वो सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ, कैसे करके मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया, वहां के लोग वगैरह कैसे, तो वो सारी बात वो चार्ली सैम को बताता है। लेकिन उसका जो दोस्त होता है सैम वो उसकी बातों पर बिल्कुल ही यकीन नहीं करता है। वो उसको बताता है यह एक तरह का इल्यूजन है, हम लोग अपने मॉडर्न लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम लोग सुकून पाने के लिए मेंटली इल्यूजन हो जाता है कि हम लोग ऑटोमेटिकली पास्ट में चले जाते हैं। ये मतलब डिप्रेशन या फिर समझ लो नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐसा होता है। यह बात जो है सैम चार्ली को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब सैम जो है वो चार्ली की बातों पर बिल्कुल ही यकीन नहीं करता। फिर सैम चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता है कि स्टैम्प कलेक्शन भी बिल्कुल ही एक ऐसी चीज है जिसको लोग कलेक्ट किया करते हैं और जिसके सारे लोग पास्ट वगैरह में चल जाते हैं और इल्यूजन वगैरह होता है, जिसकी बातों को चार्ली एकदम ही नकार देता है कि यह बात सही नहीं है। चार्ली फिर सैम को बोलता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ये भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और इन्होंने
वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपने देश को जीत भी दिलाई। चार्ली जो है वो सैम को बताता है कि मेरे दादा भी जो है वो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और वो जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। लेकिन यह सब बातों से चार्ली बिल्कुल ही बोर हो जाता है और वो वहां से उठ के चला जाता है। चार्ली का एक और सपना होता है कि चार्ली चाहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ एक बार गेल्सबर्ग जाए। गेल्सबर्ग वैसा जगह जहां पर चार्ली के दादा रहा करते थे और गेल्सबर्ग एक ऐसा जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा शांति रहा करता है। तो चार्ली चाहता है कि एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग घूमने के लिए जाऊं। चार्ली यह बात जानता है कि ग्रैंड सेंट्रल ही एकमात्र ऐसा जगह जहां से मैं वो थर्ड लेवल पे गेल्सबर्ग जा सकता हूं, थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग जा सकता हूं। जिसके लिए चार्ली अगले दिन अपना जो जमा किया हुआ जो करेंसी होता है उसको वो चेंज करने के लिए बैंक जाता है। चार्ली $300 अपना करेंसी लेकर जाता है बैंक, जिसको वह ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करता है। ओल्ड करेंसी में वो कन्वर्ट करता है, उसको 300 के जगह पे उसको $200 दिया जाता है। जिससे जो है ना चार्ली का एक दोस्त उसके साथ जाता है बैंक, वो ये सब एक्टिविटी देख के वो शॉक हो जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम पागल हो, ये न्यू करेंसी को तुम ओल्ड करेंसी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप देखिए कि इस समय का जो 500 का नोट है, क्या आप इस समय का 500 का नोट को पहले वाला 500 नोट में कन्वर्ट कीजिएगा? कभी नहीं। अगर मान लिया आप कभी कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके साथ जो दोस्त है वो आपको पागल ही समझेगा ना। जस्ट सेम जो उसका फ्रेंड था वो ये बात उसको बोल रहा था कि तुम अपने नए नोट को पुराने नोट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तुम्हें तो अपना, और वो उसको बोलता है कि तुम नए नोट को पुराने नोट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। वो उसको समझाता ही कह रहे तुम्हें तो EMI भी भरना है और तुम्हारे पास कुछ कर्ज भी है, तुम यह बचकाना हरकत क्यों कर रहे हो। लेकिन यह बात तो सिर्फ और सिर्फ चार्ली जानता है कि उसका माइंडसेट क्या होता है, कि वह गेल्सबर्ग जाना चाहता है, थर्ड लेवल पर जाना चाहता है। फिर चार्ली और उसकी वाइफ जो है वो दोनों का दोनों गेल्सबर्ग जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाती है। लेकिन वो लोग जैसे उस रेलवे स्टेशन पर जाती है तो वहां पर वो लोग देखती है कि यहां पर कोई थर्ड लेवल है ही नहीं, जिससे चार्ली और उसकी वाइफ जो लूसिया होती है वो बहुत ही ज्यादा दोनों का दोनों निराश हो जाती है और वो दोनों निराश होकर वापस घर की ओर आने लगती है। जैसे वो लोग अपने घर वापस आती है तो वो लोग को पता चलता है कि सैम जो है वो मिसिंग है। सैम को अब चार्ली और उसकी जो वाइफ है वो लोग खोजने के लिए निकलती है। जैसे वो लोग सैम को खोजने के लिए निकलती है तो उन लोगों को सैम नहीं मिलता है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चार्ली जो है वो अपने दादा का जो स्टैम्प कलेक्शन होता है ना उसको वो चेक कर रहा होता है। वहां पर उसको एक लेटर मिलता है। जैसे वो उस लेटर को ओपन करता है तो उस लेटर में लिखा होता है कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है और सैम जो है वो चार्ली और उसकी वाइफ लूसिया उस दोनों को भी वो इनवाइट कर रहा है कि तुम लोग भी गेल्सबर्ग चली आओ। उस लेटर में एक डेट लिखा हुआ है 18 जुलाई 1894, जिस कारण से जो है चार्ली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। कभी वो पास्ट में चल जा रहा है, कभी उसका दोस्त चल जा रहा है। तो चार्ली ये चीज कंफर्म करने के लिए वो वापस अपने घर आता है और वो घर में एक चेक करता है जो उसका बैग वगैरह होता है जिसमें वो कॉइन्स वगैरह रखता है। तो वो घर आकर अपने पैसे वगैरह का वो चेक करता है। जैसे वो पैसे चेक करता है तो वहां पर देखता है कि यहाँ पर $800 कम है, जिससे जो है चार्ली समझ जाता है कि सैम जो है वो $800 पुराना करेंसी को लेकर वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। यह चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर में अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए काफी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से इस तरीके से पूछ सकता है कि सैम जो है वो चार्ली की बातों पर यकीन नहीं करता और वो चार्ली को क्या बताता है। तो इसका आंसर होगा सैम जो है वो चार्ली की बातों पर यकीन नहीं करता, वो उसको बताता है कि यह एक तरीके का इल्यूजन है। हम लोग अपने मॉडर्न डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा जो माइंड होता है वो हमें पास्ट की ओर या फिर जो कंफर्टेबल जोन या फिर रिलैक्स जोन जो होता है उसकी ओर हम लोगों को ले जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चार्ली का क्या सपना होता है। तो इसका आंसर होगा चार्ली का सपना होता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वो गेल्सबर्ग एक बार जाए। गेल्सबर्ग एक ऐसी जगह थी जहां पर उसके दादा रहा करते थे और गेल्सबर्ग में बहुत ही ज्यादा शांति हुआ करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चार्ली जो है वो यह बात कैसे यकीन करता है कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग में पहुंच गया। तो इसका आंसर होगा एक दिन जो है चार्ली जो है वो अपने दादा का स्टैम्प कलेक्ट वो चेक कर रहा होता है, वहां पर उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है जो सैम जो है वो गेल्सबर्ग में पहुंच चुका है। फिर वो उसको चेक करने के लिए वो अपने घर जाता है और वो कॉइन्स वगैरह जो होते हैं उसको वो चेक करता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर जो कॉइन्स वगैरह वो कुछ मिसिंग है, जिससे वो समझ जाता है कि चार्ली जो है वो बैंक में पहुंच चुका है। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।